हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी आंखों के सामने होती हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी मिस्टेक आपकी आंखों के सामने होती हैं जो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। वो इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आपको उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए आपके सामने होती हैं और आपको पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से आपके एसी में प्रॉब्लम आती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम आती है तब आपका खर्चा हो जाता है जो कि नजायज होता है। अगर आप केयरफुली थोड़ी बातें ध्यान रखो तो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं ये बातें। ये जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन पर ध्यान दो तो काफ़ी आपके एसी में प्रॉब्लम आनी कम हो सकती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही एसी के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है, जो कि एक टाइम पे ऐसा आता है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जब हम शुरुआत ही नहीं होने देंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको 5 पॉइंट आज बता रहा हूँ जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, होता क्या है, जब आप विंडो एसी लगवाएं चाहे वो आप स्प्लिट एसी लगवाएं, दोनों एसी में एक वायर होती है जो कि स्टेबलाइजर में जॉइंट होती है या फिर एमसीबी में सीधा जॉइंट होती है, या तो स्टेबलाइजर में जुड़ेगी या एमसीबी में जुड़ेगी, कहीं ना कहीं जुड़ेगी। अगर आपके घर पे स्टेबलाइजर नहीं है तो एमसीबी में जुड़ेगी, अगर स्टेबलाइजर है तो स्टेबलाइजर के अंदर जुड़ेगी, तो वो कई बार छोटी पड़ जाती है, स्टेबलाइजर दूर होता है तो वायर छोटी पड़ जाती है, जिसकी वजह से मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक एक वायर ओढ़ लेता है और उसको अच्छी तरह जॉइंट करके, टेपिंग करके, प्रॉपर अच्छे तरीके से टेपिंग करके जोड़ देता है। लेकिन ये जो जॉइंट होता है, दो वायर के बीच में जो जॉइंट हुआ, वो नुकसानदायक है। वो कैसे नुकसानदायक है वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, ये एक जॉइंट होता है सिंपल, इस जॉइंट के अंदर कभी भी स्पार्किंग हो सकती है, कभी भी स्पार्किंग हो सकती है, वोल्टेज की वजह से हो सकती है, ये जॉइंट कभी भी जल सकता है। अगर जब भी ये जॉइंट जलेगा तो आके घर में किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। मान लीजिए, कई बार मैंने देखा है जो स्टेबलाइजर होता है वो कर्टेन के पीछे होता है, पर्दे के पीछे होता है, घर में पर्दा लगा हुआ है उसके पीछे हाइड कर दिया भी नजर आए स्टेबलाइजर, अगर स्पार्किंग हो गई मान लीजिए वायर के अंदर, जॉइंट के अंदर, तो आपके पर्दे में आग भी लग सकती है, आप सो रहे हैं रात को, कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब भी ऐसे वायर शॉर्ट हो तो आप ऐसे जॉइंट ना कराएं, आप एक कनेक्टर आता है जो कि बिजली वाले से मिल जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन शॉप से मिल जाएगा, 5 से 10 रुपए की चीज़ होती है, उस कनेक्टर के अंदर ही दोनों वायरिंग को जॉइंट कराइए, जिससे क्या होगा, वो जॉइंट नहीं सड़ेगा और ना कोई ख़राबी होगी, जिससे क्या है आपके एसी में भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके घर पे भी किसी तरह की कोई स्पार्किंग नहीं होगी। बहुत बार होता है, हो सकता है आपके अभी भी ऐसी हुआ हो भी, आपके घर में जो एसी लगा उसकी वायर शॉर्ट हुई हो, मतलब छोटी पड़ी हो और मैकेनिक ने दूसरी वायर को जोड़ के उसको अच्छी तरह टेपिंग कर दिया हो, लेकिन ये थोड़ा सा हार्म हो सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट होता है कि आपके घर पे विंडो एसी लग रहा है, इंस्टॉल हो रहा है या लग चुका है, तो भी मैं बता देता हूँ, अगर ये गलती आपने की है, मिस्टेक आपके सामने हुई है, तो आप इसको सुधार लीजिए, नहीं तो आपके एसी में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आपके घर पे नया विंडो एसी इंस्टॉल हो रहा है, तो होता क्या है, जब एसी इंस्टॉल होता है तो एसी इंस्टॉल होता है तो जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है, अंदर जो ग्रिल लग जाती है उसकी बात नहीं कर रहा, जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हमेशा स्लोप में रखना चाहिए, अंदर वाला हिस्सा ऊपर रहता है और बाहर वाला हिस्सा थोड़ा स्लोप में रहता है, जिससे क्या है कि जो पानी बनता है वो आगे से बनता है, कूलिंग कॉइल से पानी बनता है, जो पानी गिरता है ना बाहर, वो आगे कूलिंग कॉइल, जो आगे वाली जाली है ना, जहाँ पे ग्रिल लगती है, कॉपर वाली जाली है, वहाँ से पानी बनता है। तो जब वो पानी बनेगा, अगर बाहर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा तो स्लोप नहीं होगा, तो पानी जो बनेगा वो पीछे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा तो वो आगे ही रहेगा,
आगे रहेगा तो आपका जो पीसीबी होता है, जो जिसमें टेम्परेचर आता है, उसके अंदर सेंसर होते हैं, और सेंसर पानी आते ही स्पार्क हो जाएंगे और फूक जाएंगे, जिससे कि आपका पीसीबी ख़राब हो जाएगा, पीसीबी नुकसान हो सकता है, पीसीबी पूरा पूरा ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। कभी भी आप एसी इंस्टॉल करवाएं, विंडो एसी, तो पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हमेशा स्लोप में रखवाइए। कई बार कुछ मिस्त्री ऐसे होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो ऊपर ही हिस्सा छोड़ जाते हैं। आप बाहर देखेंगे तो आपको बाहर वाला हिस्सा नीचे नज़र आना चाहिए। अगर वो ऊपर की तरफ है तो उसको बोलो थोड़ा स्लोप कर दो, जिससे क्या है पानी जो बनेगा वो पीछे आराम से निकल जाए। कई बार होता है कि जल्दबाजी में भी, सीजन में टाइम नहीं होता, जल्दबाजी में भी स्लोप नहीं करते, भाग जाते हैं, तो उस चक्कर में भी कई बार क्या होता है पानी अंदर ही बनना रह जाता है। वो फिर फैन जब घूमता है तो उसके साथ आवाज़ भी, आपने देखा हो कई बार आवाज़ भी आती है पानी की छींटे मारने की, तो वो पानी अंदर ही रहेगा तो आपका एसी का पीसीबी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पॉइंट होता क्या है। आप एक चीज़ याद रख लेना, कभी भी आप एसी को बाहर निकलवा रहे हो सर्विस के लिए, विंडो एसी बाहर निकलवा रहे हो या ठीक करवाने के लिए बाहर निकलवा रहे हो, एक बात याद रख लेना, कभी भी एसी का बाहर निकालते या अंदर डालते समय एसी को ध्यान से निकालना चाहिए, एसी का पाइप नहीं पकड़ना है। क्योंकि पहले जो एसी आते थे, पुराने एसी जो होते थे, उनकी जो कॉपर क्वालिटी होती थी बहुत बढ़िया होती थी, बहुत हैवी होती थी। अब उस हिसाब से कॉपर क्वालिटी नहीं आती है, थोड़ी हल्की हो चुकी है पहले से। पहले जो एसी लगते थे 15-15 साल चलते थे, अब 5-7 साल में लगभग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके होते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत हल्की हो चुकी है। अगर कॉपर का पाइप गलती से भी किसी ने पकड़ लिया तो उसका ज्वाइंट हिल जाएगा, तो आके एसी की गैस निकल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। कभी भी, कई बार क्या होता है मिस्त्री ऐसा होता है जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती, या मिस्त्री के साथ में जो हेल्पर होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो गलती से पाइप को उसने हाथ लगा लिया, हल्का सा भी वजन डाला तो वहीं से ज्वाइंट लीक है, ज्वाइंट लीक हो तो आपके एसी की गैस लीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थर्ड पॉइंट था। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ पॉइंट क्या होता है। फोर्थ पॉइंट है कि मान लीजिए आपने स्प्लिट एसी लगवाना है, स्प्लिट एसी आपने लगवा लिया, तो कई बार आपने देखा होगा आपने नया स्प्लिट एसी लगवाया और 4-5 दिन के बाद आपके एसी की गैस निकल जाती है, आपके एसी की गैस निकल जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपने क्या करना है। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप एसी लगवाते हो तो उसको कोशिश कीजिए कि मैकेनिक को बोलो यार आज ना आप हल्का सा प्रेशर छोड़ दो इसके अंदर, हल्का सा। अगर आप उस दिन बिना एसी के सो सकते हो एसी लगने के बाद, उसको बोलो यार प्रेशर छोड़ दो, कल गैस खोल देना आप। प्रेशर छोड़ने का मतलब क्या होता है, हल्की सी गैस उसने छोड़ देनी है, बिल्कुल हल्की सी होती है, वो एसी के अंदर ही रहेगी, मतलब पाइप में सर्कुलेट हो जाएगी। वो अगले दिन जब आएगा 24 घंटे के बाद, जब वो आएगा एसी में गैस खोलने के लिए, तो उसके अंदर गैस रहे अगर होगी वो चेक कर लेगा, अगर उसके अंदर गैस होगी, पाइप के अंदर गैस हो, एसी के अंदर गैस होगी, मतलब जो खोली थी वो वाली गैस उसके अंदर पता चल जाएगा उसको है या नहीं है। अगर वो गैस है तो वो इसका मतलब आपके एसी में किसी भी तरह की कोई भी लीकेज नहीं है। अगर वो गैस नहीं है तो आपके एसी के अंदर लीकेज है, चाहे वो एसी लगाते समय फ्लेयर से हुई हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे अंडरग्राउंड पाइपिंग पे हो, कहीं ना कहीं लीकेज है, जिसकी वजह से जो उसने पाइप हल्का सा प्रेशर जो छोड़ा था वो गैस ख़त्म हो चुकी है, पाइप के अंदर थी वो ख़त्म। अगर लीकेज नहीं है तो वो पाइप के अंदर ही रहेगी, उसको मैकेनिक को पता चल जाएगा, हाँ मैंने कल गैस छोड़ी थी, आज चेक किया तो एसी के मतलब जो पाइप के अंदर है वो गैस अवेलेबल है जितनी मैंने छोड़ी थी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गैस वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, इसका मतलब 100% लीकेज है, तो आप उसको चेक करा लीजिए, जिससे क्या होगा आपकी एसी की जो गैस ख़त्म होनी है पूरी की पूरी वो बच जाएगी, एसी के कंप्रेसर के अंदर ही रहेगी, कोई खोली नहीं थी तो कंप्रेसर के अंदर ही है, तो आप पहले ही चेक करा लीजिए लीकेज है कहाँ पे। दोस्तों लास्ट और फाइनल पॉइंट, आपने देखा होगा कि आपने अपने घर पे स्प्लिट एसी लगवाया, नया एसी लगवाया और आपके घर में पानी की लीकेज हो रही है, अंदर की पानी गिरना शुरू हो जाता है,
तो ऐसा होता क्यों है? दोस्तों होता यह है, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जो पानी होता है ना वो हमेशा स्लोप में निकलेगा, ढलान में निकलेगा। कभी भी आप उसकी उसको ऊपर करोगे पाइप को, या टेढ़ा करोगे, या बड़ा करोगे, तो उससे आपको नुकसान है। एसी के अंदर पाइप, जो पाइप होता है वो स्लोप में ही होना चाहिए, जिससे क्या है स्लोप में पानी आराम से निकल जाता है। क्योंकि पानी जब बनता है वो ट्रे में बनता है, ट्रे से धीरे धीरे जाता है पाइप के अंदर, पाइप की ढलान होगी तो वो वहाँ से निकल जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आप लोग कर देते हो, पाइप लगाते हो, पाइप लगाया और पाइप को बाल्टी के अंदर ऐसे छोड़ दिया, जैसे सांप होता है ना, इतना बड़ा सांप होता है, पूरा गड्ढा बना दिया, बाल्टी के अंदर डिप कर दिया, तो वो क्या है, वो घूमता रह जाता है, जिसकी वजह से पानी बैक मार देता है। पानी बैक मारेगा तो वो पानी अंदर ही गिरेगा। दूसरा पॉइंट, पानी के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, कभी भी पानी, मान लीजिए कई जगह ऐसी होती है पानी का पाइप पीछे नहीं छोड़ा जाता है, अंदर ही छोड़ना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, कई लोगों के हमने देखा है बाल्टी में छोड़ेंगे, बाल्टी में पाइप छोड़ा, और बाल्टी में पाइप छोड़ने के बाद पानी भर जाता है, उनका पाइप बिल्कुल डिप होता है, पानी के अंदर बिल्कुल डिप होता है, जिसकी वजह से पानी बैक मारेगा, और पानी बैक मारेगा तो पानी अंदर ही गिरेगा। तो ये बातें आपने ध्यान रखना है, स्लोप रखना है, पानी के बाल्टी के अंदर या फर्श पे कभी रोल करके पाइप को नहीं छोड़ना, हवा में छोड़ना है, हमेशा हवा में छोड़ो, आके एसी में कभी भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी के अंदर इतना छोड़ो कि डिप ना हो, पानी के अंदर डिप नहीं होना चाहिए पाइप डिप होगा तो उसके अंदर पानी हमें 100% बैक मारेगा अगर डिप होगा तो ये बातें 5 मिनट में आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ध्यान रखोगे तो आके एसी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।